हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वेक्टर बिजनेस कार्ड डिजाइन कोरेलड्रॉ 19 में। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू पेज ले लेते हैं, ये देख सकते हो। कंट्रोल एम भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल्स ले लेंगे, ठीक है। और ये इंच है, यूनिट चेंज कर लेंगे, यहाँ से एमएम में कर लेंगे। और 88 mm, 55 mm, ठीक है। ये साइज हो गया हमारा, ये अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर हम यहाँ पे जाते हैं, इस टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1, ठीक है, और 3, 1, ठीक है। और फिर गाइडलाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, गाइडलाइन लग गया है। और इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल प्रेस करके, देख सकते हो रेड हो गया है। और फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट लॉक, ठीक है, ये लॉक हो चुका है, ठीक है। और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, ये देख सकते हो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ये बीच का डिलीट कर देंगे। और फिर यहाँ पे जाएंगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट कर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर सेव टूल्स और सिलेक्ट कन्वर्ट टू कर, ठीक है। ठीक है, फिलहाल ये ठीक है। और दोस्तों, इस बिजनेस कार्ड में जो मैटर यूज करने वाला हूँ उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे ओपन, यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आ चुका है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, या यहाँ से भी हम जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कलर है हमारे, ठीक है, हम इस कलर को फिल कर लेते हैं। ये देख सकते हो आई ड्रॉपर कलर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्ले कर देंगे, ठीक है। ये कलर आ गया है और इसमें भी कलर हम फिल कर लेते हैं। फिर जाएंगे आई ड्रॉपर और ये कलर यहाँ पे फिल कर देंगे। देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा फिल हो चुका है। और इसको आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है। अब हम इलिप्स टूल लेंगे, देख सकते हो प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। और ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस पोजीशन से बढ़ा कर देंगे थोड़ा और रख लेंगे, ये देख सकते हो मैंने रख लिया, ठीक है। और इसमें भी कलर फिल कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये वाला कलर है, ये देख सकते हो, ठीक है। 100 cyan 100 मैजेंटा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, ये हो चुका है। और इसका भी आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है फिलहाल। और फिर जाएंगे ट्रांसपेरेंसी टू, ठीक है। और ठीक है, फिर हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल ये ठीक है। और इसको इससे चिपकाएंगे, ठीक है, ये शेप बन चुका है ना, ये ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेके जाएंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे
कॉपी और पेस्ट, और इसको यहाँ से देख सकते हो मिरर कर देंगे, और फिर इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, और इसको ग्रुप कर लेंगे। और इसको मिरर कर देंगे, ठीक है, और ये इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट पावर क्लिप, ठीक है, यहाँ पे सेंड, ये आपका बन चुका है। और इसको, इस ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, इसको भी थोड़ा इस साइड में बढ़ा लेंगे, और इस पे भी हम ये कलर में फ्लावर व्हाइट डाल देते हैं, और फिर पावर क्लिप, ठीक है, पावर क्लिप को सेंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल्स, ठीक है, और ये देख सकते हो, फिर इस पर क्लिक करते हैं फाउंटेन फिल टूल्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया हमने, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट में पहुँच जाएंगे, एडिट कलर, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम 100 सेंड कर देंगे, ठीक है, ये आ चुका है, और इसको 60% कर देंगे, -60, ठीक है, ये देख सकते हो आ चुका है। फिलहाल हमारा वेक्टर तैयार है, और इस पर हम ये मैटर सेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये सरनेम हो गया, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, कलर आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। इसमें मेरा देख सकते हो एरियल 12 पीटी है, और ये भी 10 है, और ये 12 पीटी है, ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है, एरियल, ठीक है, और फिर इन सब को भी लेके आते हैं, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, पहले लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो क्या अच्छा सा आ रहा है, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद अब सेटिंग करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो हमारा 8 PT है एरियल, और ये भी 8 PT देख सकते हो, एरियल 8 PT अनबोर्ड, ठीक है, और ये हमारा देख सकते हो ये साइज है सारे, ठीक है, और इस पर क्लिक करके, ठीक है, और इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ जाएंगे एडिट पावर क्लिप, और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लिया, और ये देख सकते हो फिनिश, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे बाहर, और फिर इसको पेस्ट कर देंगे, ये आ चुका है, और फिर यहाँ पे जाएंगे ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है, इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, एक छोटा सा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और इसको सीकी कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो तो मिरर, मिरर नहीं, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, और इसको व्हाइट कर देंगे दोनों को, ठीक है, और यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको छोटा कर लेंगे फिलहाल, ठीक है, क्या खूबसूरत सा शेप बन रहा है, और इसको जाके यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, और फिर जाएंगे ऑर्डर्स 1 step, ठीक है, और कंट्रोल पेस्ट डाउन भी कर सकते हैं, जब तक कि डाउन ना चला जाए, ठीक है, डाउन हो गया है, इससे भी डाउन होगा, फिर कंट्रोल पेस्ट डाउन, ठीक है, तो छोटा कर लेंगे इसके हिसाब से, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसको ग्रुप हो चुका है, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे या प्लस प्रेस करके फिर इससे सिलेक्ट करेंगे और सी, ठीक है, फिर प्लस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और अलाइनमेंट देखेंगे, देख सकते हो अलाइनमेंट सी, और फिर ई कर देंगे, ये देख सकते हो ई, ये आ चुका है इसके नीचे, ठीक है, ये फिलहाल हमारा फ्रंट बन गया है, अब बैक बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है,
और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप में जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसको इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर लेंगे सेंटर में और ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट है हमारा और फिर इस टाइप का शेप बन रहा है और बाहर चले जाएंगे, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। और फिर हम इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, इसको फिर यहाँ पे लेके आएंगे और बड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा ही रखें, ये भी ठीक है फिलहाल। इसमें जाएंगे और फिर इसको इसको सिलेक्ट करके और फिर जाएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल्स, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर इधर जाएंगे, दस परसेंट इसको जीरो 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 20%, ठीक है, और 20%, इसको बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे, ये देख सकते हो मेरा विजिटिंग कार्ड बनके तैयार है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।